स्वामी गोलोक धाम हमडा रोड लुधियाना में जो बादल सरकार के द्वारा बादल जी के द्वारा न्यू पत्थर जिसका रखा गया है जिसका निर्माण भी हुआ, लेकिन जितनी गौशालाएं हैं उनमें न कोई बिजली की व्यवस्था है न कोई पानी की व्यवस्था कर रही सरकार, और न गौशालाओं में आने वाले जो सामान है उनके लिए वेट के लिए उन्होंने कहा था छूट देंगे वो नहीं है। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 5600 करोड़ रुपए फ्री कर दिए हैं, उनको माफ कर दिए हैं, लेकिन अगर एक गौशाला में 1000 गाय हैं, 1500 गाय हैं, कहीं 600 गाय हैं, कहीं 60 गाय हैं, एक गाय का प्रतिदिन का खर्च आजकल 100 रुपए है जबकि पंजाब सरकार ने 30 रुपए कह रखा है और वो 3 पैसे नहीं देने को तैयार है, न बिजली को न पानी को न गाय के चारा दोने को। और इन्होंने जितनी गोचर भूमि है पंजाब सरकार ने कहा था गोचर भूमि को हम मुक्त करा देंगे और जो गौसेवक उनको दे दिया जाएगा, तो न भूमि दे रही, न भवन दे रही, न द्रव्य दे रही, न उनके लिए तूड़ी आदि दे रही। पंजाब सरकार का एक प्रतिज्ञा ये थी कि हम तूड़ी जो कारखानों में जलाई जाती है उसको जलने नहीं देंगे, गाय के काम में आएगी, लेकिन पंजाब सरकार उस पर भी रोक नहीं लगा रही है। पंजाब सरकार को चाहिए कि तूड़ी बहुत महंगी है, पट्टा बहुत महंगा है, फीड बहुत महंगा है, जो गाय का 30 रूपये आज से 10 वर्ष पहले था, गाय की एक दिन का डाइट भोजन जिसको बोलते हैं, आज वो 100 रूपये 130 रूपये हो गया है। अगर सब चीज की महंगाई बढ़ रही है तो इसकी चीज की महंगाई बढ़ रही है। अगर बात करें पंजाब सरकार कहीं ना कहीं हर वादे पे खोखला साबित होती है। देखो किसी वादे पर खोखला है कि नहीं हम नहीं जानते, पर हमारे वादे पर तो खोखला क्या है, ये तो रसातल में चली गई है। इसके वादे तो गाय के लिए कुछ नहीं कर रही, हम तो गाय से संबंध रखते हैं, गाय के भूमि से और गाय के गोचरण से संबंध रखते हैं। जितना हमारा गाय से और सरकार का संबंध है हमारे वायदे पूरे नहीं कर रही, न निवेदन सुन रही न आज्ञा सुन रही है। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि भाई सभी लोग जो सरकार एक आयोग गठित किया है, सरकार को आयोग भंग किए हुए 2.5 वर्ष हो गए हैं और 2.5 वर्षों से न आयोग चल रहा है और न उसकी कोई कार्य समिति है और न गोभक्तों की कोई बात सुन रही है। यही बात मतलब कि हर जगह सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि पंजाब सरकार अपने दावों को हर जगह खोखला साबित होती जा रही है। तो आज जो संतों से वादे किए थे, जो गौशाला के लिए वादे किए थे, वो भी खोखले होते जा रहे हैं। बिल्कुल खोखले हो जा रहे हैं। और हमारे महाराज जी श्री कृष्णानंद जी की प्रतिज्ञा है और कृत संकल्प है कि 15 दिन तक सभी पंजाब के मुख्य शहरों में, गांव में, नगरों में कुछ लोग जाएंगे, जन आंदोलन एकत्रित करेंगे और 15 से 25 दिन के भीतर पंजाब सरकार श्री प्रकाश सिंह बादल जी, उनकी कोठी का घेराव और उनके जो सलाहकार हैं तीक्ष्ण सूद जी, उनकी कोठी का घेराव 2 घंटे के लिए करेंगे। सारे पंजाब के गोभक्त और महात्मा वहां पर पहुंचेंगे जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन में भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, अगर गाय मूक है उसका शब्द हमको समझ नहीं आता है तो हम भी मूक भाव से और ऐसे शब्द वेद के बोले जाएंगे जो उनको समझ में आए, लेकिन एहसास हो कि गौ माता नहीं बोल सकती है तो गौ माता के पीछे बोलने वाले महात्मा है। किस तरह के शब्द जो है, शब्द शांति कीर्तन होंगे, संकीर्तन, किस अपशब्द बोला जाएगा, न कोई विद्रोह होगा और न कोई उद्दंडता होगी और न कोई अश्लीलता होगी और कोई किसी का जनहानि धनहानि कुछ नहीं होगी, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। उनको ये कहना होगा भी आप हमारी बात सुनिए, हमारा ये तरीका है, आपको सुनना है। और उसके बाद भी वो बात नहीं सुनते तो फिर इसके बाद क्या है? बात के बाद तो फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से, मीडिया इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करे, मीडिया भी तो सनातन धर्मी है, गोभक्त है जी हमारे पास, अगर सरकार